आज हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। और आज जो है मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट 1 मार्क के कंप्लीट कर दूंगी। बेसिक के जो हैं फिर स्टैंडर्ड पे मूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, इफ 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक ए। तो बेसिकली 15 cot A जो है वो 8 के बराबर है, तो कॉसेक ए कितना होगा? तो 15 cot A को इक्वल्स टू 8 के बराबर लिखेंगे, तो कॉट ए की वैल्यू क्या आई? 8/15। हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर में, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका साइन का होता है, B/H इज कॉस एंड P/B इज टेन। और जब हम इसका रिवर्स कर देंगे, मीन्स H/P, ये हमारा साइन का उल्टा होता है कॉसेक, H/B ये होता है सेक, और B/P ये होता है कॉट। अब बी पी और एच होता क्या है? बी होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेन्यूज। एक ट्रायंगल की 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, जिसपे वो खड़ा हुआ है, विच इज बेस, और जो हाइट होती है उसको हम परपेंडिकुलर से डिनोट करते हैं। तो ये BPH होते हैं। अब हमें कॉट ए दे रखा है, और कॉट का फॉर्मूला है B/P, मीन्स हमें बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है। तो आपने कॉसेक ए का फॉर्मूला पढ़ा होगा, विच इज 1+cot² A इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो अब हमने करना क्या है, कॉट की वैल्यू को कॉट की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां पर स्क्वायर हो रहा है, कॉसेक स्क्वायर ए। स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225, कॉसेक स्क्वायर ए। अब आपने एलसीएम लेना है, 225 + 64, 225 कॉसेक स्क्वायर ए। नाउ जब हम इसका सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 289, 225 कॉसेक स्क्वायर ए। जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, 289 डिवाइड बाय 225 कॉसेक ए। 289 जो है वो बेसिकली किसका स्क्वायर रूट होता है? वो होता है 17 का, और 225 होता है 15 का। तो कॉसेक ए की वैल्यू आई 17/15। इसी के साथ हमारा ये आंसर खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज 38.5 cm², मीन्स एक सर्कल है, उसका कोई क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट होता है 1/4, उसका एरिया दे रखा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें डायमीटर निकालनी है उस सर्कल की। तो क्योंकि ये जो शेप है वो एक क्वाड्रेंट है, और इस शेप को हम बेसिकली सेक्टर भी बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ शेप, जिसमें थीटा क्या है? 90 है। तो थीटा आपका क्या हो गया? 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है वो होता है 1/4 πr².
वन अपॉन फोर पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें गिवन नहीं है बट हमें एरिया गिवन है और वो है 38.5। जो चीज कट रही है उसे कैंसिल कर देंगे, जो चीज इधर डिवाइड हो रही है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 38.5 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा 7 होगा, 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बेसिकली सब कट जाएगा ऑलमोस्ट, ये आएगा 2 के टेबल में 55, 11 और 5 के टेबल में 6 एंड 7, 77, 11 के टेबल में 77 7 पे आता है, 7 जा 49। आर स्क्वायर कितना आ गया 49, तो आर क्या आएगा, ये अपने स्क्वायर हटाएगा तो इस पे रूट चढ़ेगा, रूट से बाहर एलसीएम लेके निकाल लिया जाता है, 7 और 7 2 7 में से 1 7 आ जाएगा तो आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर, ये हमारा आर आया। अभी क्वेश्चन क्या आएगा आपको डायमीटर निकालना है, तो जो डायमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × r, तो 2 की मल्टीप्लाई r से, r 7 है तो आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर, और इसी के साथ हमारा डायमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ डाइस थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। एक गिट्टे को एक बार उछाला जाता है, प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम इसके सैंपल स्पेस बना लेंगे, और जब हम एक टाई यानी कि गिट्टे को उछालते हैं तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अब इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 की टेबल में आते हैं और अपनी टेबल में आते हैं, मींस जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो 1 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है, तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 है और 5 है। तो देखा जाए तो हमारे प्राइम नंबर टोटल 3 हैं और टोटल जो आउटकम है वो है 6। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो मैंने बताया था गेटिंग हटा दो, यहां लिख लो प्राइम नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्राइम नंबर आपको पता है कि 3 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, इसको जब हम कैंसिल करेंगे 1/2 और हमारी प्रोबेबिलिटी है 0.5, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें DE जो है वो पैरेलल है BC के और हमने EC निकालनी है, तो हमें पता है कि एक साइड की जो रेशियो है मींस DAD अपॉन DB वो दूसरी साइड के रेशियो के बराबर होती है। AD हमें गिवन है 1.5, DB है 3, AE है 1 और EC को हम EC लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 13, 1 × 3 1.5 × EC, EC इधर ही रह जाएगा, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड, 3 × 1 = 3 और 1.5 नीचे आ जाएगा। जब इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर आएगा 0, 15 के टेबल में 32 पे आता है तो EC कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मींस हमें डी निकालना है, ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म मींस ए गिवन है विच इज 12 एंड फिफ्थ टर्म इज 0 मींस ए 5 कितनी दे रखी है 0,
तो जो चीज गिवन है हम उसका यूज करेंगे। ए फाइव का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए प्लस फोर डी। ए फाइव हमें जीरो दे रखी है तो ए फाइव को ए फाइव की जगह लिख देंगे। ए हमें ट्वेल्व दे रखा है, फोर इंटू डी। जो चीज प्लस हो रही है इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस, फोर इंटू डी। जो मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके हो जाएगी डिवाइड। तो इससे जो हमारी डी की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस थ्री, और यही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। सो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज माइनस थ्री।